नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ निकिता। इस वक्त हम लोग राजस्थान के रण में हैं, यानी राजस्थान में हैं। और आपको बता दें कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हवा महल है और हम अभी हवा महल विधानसभा क्षेत्र के पास हैं। और आपको बता दें कि हवा महल का क्या रुख है और हवा महल से जो हवा बह रही है वो किधर बह रही है, ये देखने के लिए डीवी लाइव इस वक्त राजस्थान में है। और 23 तारीख को राजस्थान में प्रचार प्रसार जो कि इलेक्शन के लिए समाप्त हो जाएगा, तब तक डीवी लाइव राजस्थान में 23 तारीख तक बरकरार रहेगी। सारे जनता के रुख देखेगी, जनता का मूड देखेगी कि आखिर जनता का मूड क्या है और जनता किसके सपोर्ट में है और किसको सपोर्ट कर रही है। आपको बता दें कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार आरआर तिवारी हैं, जो कि पिछली बार यहां पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो जोशी जी थे, और आपको बता दें महेश जोशी थे। और इस बार बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो बाल मुकुंद आचार्य हैं। और यहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने प्रत्याशी को उतारने के लिए हिंदुत्व का कार्ड खेली है। बाल मुकुंद आचार्य को इसलिए खड़ा किया गया है क्योंकि हिंदुत्व का कार्ड खेला गया है। और आपको बता दें कि 25 तारीख को राजस्थान में मतदान होना है, उससे पहले जनता का क्या रुख है, जनता क्या सोचती है, किसके पक्ष में चल रहा है, जनता क्या है, यानी कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र, यानी कि विधानसभा ये ऐसी जगह है कि हवा महल से जो हवा चलती है वो राजस्थान के गद्दी में कौन विराजमान होगा ये बताती है। आपको बता दें कि हवा महल विधानसभा ये डिसाइड करती है कि आने वाले विधानसभा में कौन मुख्यमंत्री बन के बैठेगा उस गद्दी पे, ये बताती है। और ये भी बता दें कि डीवी लाइव अभी जनता के बीच जाएगी, जनता से जुड़ेगी, जनता के सवाल जनता से रुख जानेगी कि जनता क्या सोच रही है, जनता का क्या मूड है, जनता किसके पक्ष में सोच रही है, जनता क्या सोच रही है, कहाँ क्या मूड है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हो चुका है 230 सीटों के लिए, वहीं राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा 199 सीट के लिए। एक सीट इसलिए कम है क्योंकि कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे जिनका निधन हो चुका है, उसकी वजह से अभी उस एक सीट पे मतदान नहीं हो सकता है। और वही छत्तीसगढ़ में दो चरण में मतदान हुआ था, पहला चरण हुआ था 7 तारीख को 20 सीटों के लिए, दूसरे चरण में मतदान 17 तारीख को हुआ था 70 सीटों के लिए। वहीं मिजोरम में भी 7 नवंबर को पहले ही चरण में मतदान हुआ था जो कि 70 सीटों के लिए था। ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान का जो हवा है वो हवा महल से डिसाइड होता है, क्योंकि हवा महल एक ऐसी सीट है कि राजस्थान की गद्दी में कौन बैठेगा, कौन विराजमान होगा, ये यहाँ से डिसाइड होता है। क्योंकि जो जीत गया हवा महल का सीट वो ये तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल यहाँ पे बहुत जद्दोजहद चल रही है, हर पार्टी से जोर शोर से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं आए दिन। कल यहाँ पे पीएम आने वाले हैं, और वहीं अभी कल यानी कि बीते हुए कल में राहुल गांधी की रैली थी, आज यानी कि 20 नवंबर को प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, सबकी रैलियां थी। जिस हिसाब से राजस्थान के रण में जनता बदलाव चाह रही है या नहीं चाह रही है, जनता क्या चाहती है, ये सारा कुछ हम आपको डीवी लाइव के माध्यम से बताएंगे। डीवी लाइव लगातार 23 तारीख तक, जब तक राजस्थान में चुनाव प्रचार चलेगा तब तक डीवी लाइव लगातार लोगों के बीच जाकर के लोगों के रुख जानेगी, लोगों क्या लोग सोच रहे हैं। आखिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी क्या कमाल कर रही है, क्योंकि अशोक गहलोत को जादूगर कहते हैं और क्या जादूगर सच में जादू चलाने वाला है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि आने वाला जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन है वो भी बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इससे लोकसभा भी तय किया जा सकता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि राजस्थान में 199 पे 25 तारीख को मतदान होना है, और वहीं 3 तारीख को इसके नतीजे यानी कि मतगणना होनी है। क्या कुछ नतीजे आएंगे ये तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राजस्थान के रण में
कौन विराजमान होता है, किसकी सरकार बनती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि इन सबके भी नतीजे 3 तारीख को आएंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना में भी 30 नवंबर को मतदान होना है और उसके नतीजे भी 3 दिसंबर को आएंगे। यानी ये कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उसके नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। यानी ये कि 3 दिसंबर को बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है, किसकी सरकार कितने राज्यों में बनती है ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको पूरे राजस्थान का मूड बताएंगे कि आखिर राजस्थान में जनता क्या चाह रही है, अशोक गहलोत के योजनाओं से जनता कितनी खुश है और मोदी कैंप में वसुंधरा राजे को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है, वसुंधरा राजे से जनता क्या सच में नाराज है, ये सारा कुछ हम आपको जनता के थ्रू आपको सीधे और सीधे तौर पे डीवी लाइव पे दिखाएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, कैमरा पर्सन फारूक के साथ मैं निकिता, डीवी लाइव जयपुर।